इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी संसदीय बोर्ड की एक अहम बैठक हुई, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और अब उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार वो होंगी। ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बता दें एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी गई है। जेपी नड्डा ने इस फैसले का ऐलान किया है, तो बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि आदिवासी कैटेगरी से वो आती हैं, ऐसे में झारखंड की राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करते वक्त इस बात पर भी जोर दिया कि इस बार एक महिला राष्ट्रपति को मौका मिलना चाहिए, तो महिला राष्ट्रपति के तौर पर उनको उम्मीदवारी दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी साझा की जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति देने की तैयारी है और इसीलिए उनको उम्मीदवार चुना गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल जी जुड़ गए हैं। अशोक, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम को यहां पर घोषित किया गया है, उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है, कितना बड़ा दाव अब इसको देखा जाए। हेलो, आवाज मिल रही है अशोक आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, किस तरीके से फैसले को देखा जाए, बड़ा दाव इसे माना जा रहा है अशोक? बिल्कुल, पहली अगर राष्ट्रपति चुनी जाती है तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा से आती हैं, दो बार विधायक रही हैं, एक बार मंत्री रही हैं उड़ीसा सरकार में, जब बीजेडी और बीजेपी की सरकार वहां बनी थी। उसके बाद पहली आदिवासी गवर्नर झारखंड की द्रौपदी मुर्मू बनी थी और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। 64 साल की है द्रौपदी मुर्मू और काफी विचार विमर्श के बाद, करीब 2 घंटे ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चली, कई नामों पर विचार करने के बाद आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सहमति बनी और अब विपक्ष के यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच मुकाबला होगा। और बीजेपी ने अक्सर नामों को लेकर चुकाया है, हालांकि इस बार ज्यादा नाम नहीं चल रहे, लेकिन 2017 में बहुत सारे नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा में थे, लेकिन रामनाथ कोविंद ऐसा नाम बीजेपी की ओर से एनडीए की तरफ से आया था जिसपे कोई विचार नहीं हुआ था, ना कोई चर्चा हुई थी। इस बार भी द्रौपदी मुर्मू के नाम की ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन फाइनली एक महिला आदिवासी को उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और एनडीए के बाहर भी बहुत सारे दल इस नाम पर समर्थन जताएंगे, ऐसी बीजेपी को लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर यह संदेश तो दिया ही जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो पहल यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है, उस संदेश को आगे बढ़ा जाएगा, साथ ही आदिवासी समुदाय को साधने की भी कोशिश। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बोलिए बोलिए। अशोक, मैं ये कह रही हूँ कि किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अन्य समुदाय को समर्थन इसको मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ महिला सशक्तिकरण का संदेश जो सरकार देती आई है उसे बढ़ावा यहाँ से मिलेगा और साथ ही आदिवासी समुदाय को भी समर्थन यहाँ पर, आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश के तौर पर भी। आपकी आवाज दोबारा बोलिए मुझको। चलिए, मैं सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अशोक सिंघल ने भी कहा, वाकई में चूंकि महिला भी हैं और आदिवासी समुदाय से भी आते हैं, तो संभवतः अन्य जो तमाम सहयोगी दल हैं उनका समर्थन भी उनके नाम को मिलेगा। ऐसे में एक बड़ा दाव यहां पर एनडीए की तरफ से इसे समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा से इस पहल को आगे बढ़ाया गया, इस संदेश को दूर तक और पहुंचाया जाए, उसकी दिशा से भी इस नाम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, साथ ही आदिवासी समुदाय को साधने की भी एक अच्छी कोशिश यहां
यहां पर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई, जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़ी जानकारी को साझा किया जहां पर द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, ये जानकारी उन्होंने दी है। एक लंबी बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उनकी अध्यक्षता में ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू के नाम को फाइनल कर दिया गया है, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार वो होंगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा ने इस जानकारी को साझा किया जहां पर उन्होंने कहा कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति देने की तैयारी है और उनके नाम का ऐलान कर पार्टी ने यहां पर एक तरफ आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की है, तो वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश भी पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि काफी काम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काफी योजनाओं का वो हिस्सा रही है। और साथ ही देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव आपको बता दें कि 18 जुलाई को होना है, वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की जो अंतिम तिथि है यानी कि आखिरी तारीख 29 जून है और उससे पहले उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द मुहर लग जाएगी किसी एक नाम पर और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि विपक्ष अभी भी इसी जद्दोजहद में है, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, विपक्ष अपनी एकजुटता को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिलहाल कोई नाम वहां से फाइनल नहीं हो पाए। इन सबके बीच बड़ा अपडेट एनडीए की तरफ से यह आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू के नाम को फाइनल कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, मैं ये कह रही थी कि किस तरीके से देखा जाए, एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई कि महिला सशक्तिकरण का जो संदेश मोदी सरकार अब तक देती आई है उसे आगे बढ़ाया यहां से जाएगा और साथ ही आदिवासी समुदाय को साधने की एक अच्छी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, पहली अगर ये जीत जाती हैं द्रौपदी मुर्मू तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और पूरी उम्मीद है एनडीए को कि उनको सिर्फ एनडीए ही नहीं बाकी दलों का भी समर्थन उनको मिलेगा। हालांकि जेपी नड्डा ने साफ तौर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और उनको जिम्मेवारी दी गई थी पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से, कि वो यूपीए के दूसरे घटक दल हैं, विपक्ष से भी बातचीत करें, लेकिन हम चाहते थे कि सहमति से एक उम्मीदवार खड़ा हो और वो जीते, लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया है तो सहमति के चांस नहीं थे, तो मुकाबला होगा। इसीलिए उन्होंने आज विचार विमर्श करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड में करीब 2 घंटे की बैठक हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। उसमें 2 घंटे डिस्कस करने के बाद आखिर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगा दी और जेपी नड्डा ने कहा कि पहली महिला आदिवासी उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रपति पद के लिए, पर क्योंकि द्रौपदी मुर्मू 2 बार विधायक रह चुकी हैं उड़ीसा से, एक बार मंत्री भी रही हैं और पहली आदिवासी राज्यपाल झारखंड की द्रौपदी मुर्मू बनी थी और उनका शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है और तमाम चीजों को देखने के बाद एनडी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम तय किया गया है, घोषणा की गई है। बीजेपी की ओर से एक मैसेज देने की कोशिश है एनडीए की ओर से कि एक तो महिला है ऊपर से आदिवासी, पहले कभी आदिवासी कोई भी राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंचा है, इसलिए एनडीए ने इस बार आदिवासी महिला जी, बिल्कुल अशोक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही उतना ही दिलचस्प भी देखना होगा क्योंकि जेपी नड्डा साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति के तौर पर देखने की पूरी तैयारी यहां से की जा रही है। बहुत शुक्रिया।